पलवल शहर के जीटी रोड मार्ग व शहर बाजार के मार्ग पर दुकानदारों की ओर से सड़क किनारे हो रहे अतिक्रमण को लेकर नगर परिषद की ओर से आज भारी संख्या में पुलिस बल के साथ कर्मचारियों ने पैदल मार्च करके अतिक्रमण हटाओ को चलाया गया। वहीं इस अभियान के दौरान नगर परिषद के कर्मचारियों ने दुकानों के बाहर रखे सामान को ट्रैक्टर में भरकर कार्रवाई की गई। शुरू परिषद के कर्मचारियों की जानकारी हिसाब से दुकानदारों को मिलते ही कुछ दुकानदारों ने पहले ही सामान हटाना शुरू कर दिया, लेकिन कुछ दुकानों के सामान उठाए जाने के विरोध को लेकर परिषद के कर्मचारियों व पुलिस विभाग के कर्मचारियों के साथ बहस करके झगड़ा करते देखे गए। परिषद के कनिष्ठ अभियंता राशिद खान व जितेंद्र भाटी ने जानकारी देते हुए बताया कि अभियान लगातार जारी रहेगा। जो भी शहर के मार्गों पर फुटपाथ पैदल चलने वालों के लिए बनाए गए हैं, उन्हें अब सब दुकानदारों को खाली करना होगा, अन्यथा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। देखिए पूरी खबर। नगर परिषद पलवल चौक से करके और ये आगरा चौक तक चलेगा और वापसी में फिर वहीं वहाँ तक चलेगा। जी सर, क्या आपको, आपने क्या इसकी पहले सूचना दी है दुकानदारों के कि अतिक्रमण किया जा रहा है? बार बार लोगों को बना दिए द्वारा भी वो किया हुआ है और ये करीबन 2 या 3 दिन से कंटिन्यू चल रहा है। 15 दिन से। तो किस तरह का सामान है जिसे आपके ट्रैक्टर में उठाया जा रहा है? जो रोड पे इंक्रोचमेंट करके रखी है इन्होंने, जो टेम्परेरी इंक्रोचमेंट कर रखी है, उसी को लेके जा रहे हैं। पलवल के स्थानीय लोगों का कहना है कि जब भी मुख्य बाजार में प्रवेश करना होता है, जो पहले फुटपाथ बने हुए थे, वो फुटपाथ अब बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहे। क्या ये अतिक्रमण का नतीजा है इस वजह से? अतिक्रमण की वजह से ही वो दिखाई नहीं दे रहे, तो इस वजह से ये अतिक्रमण का जो है वो चलाया जा रहा है। तो इस अभियान के तहत मान के चले फुटपाथ भी खाली होंगे? हाँ, जो लोगों ने सामान रखा हुआ है वो सब उठाया जाएगा। तो कब तक आपका ये अभियान जारी रहेगा? चलता रहेगा लगातार, कंटिन्यू चलेगा, दिन में 2 बार चलेगा। बहुत राहत मिलेगी और देखिए आज चौराहा बिल्कुल खाली है और बहुत जाम भी नहीं है बिल्कुल भी आज। और हाँ, और कुछ कृपया को आगे बढ़ाना चाहिए, अंदर जाना चाहिए, अंदर मार्केट में भी अतिक्रमण हटाना चाहिए। मेन चौराहा बिल्कुल खाली पड़ा है, नहीं तो 11-12 बजे बहुत जाम होता है यहाँ पे। अब देखिए आप, बिल्कुल खाली पड़ा है। तो कुछ दुकानदार भी हैं जो लगातार नहीं मान रहे हैं, अपने सामान को दोबारा रख देते हैं, क्या उससे भी दोबारा असर पड़ सकता है? ये प्रक्रिया रेगुलर चलनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि महीने में 2 महीने में एक बार आते हैं, 6 महीने तक गई फिर। ये रेगुलर होनी चाहिए, हफ्ते में होनी चाहिए एक बार जरूर। तो हाँ, इससे बहुत संतुष्ट हैं, और यानी कि ये हफ्ते में कम से कम 2 दफ़े तो लगना चाहिए। और बाज़ार के अंदर भी जाओ, देखिए बिल्कुल ऐसा काम कर लेते हैं दुकानदार जैसे कि यानी कि एक मोटरसाइकिल भी ना निकल पा रहे, पैदल चलने वालों को परेशानी है। तो क्या शहर के मुख्य बाजार में कर्मचारी नहीं पहुंच पा रहे हैं? नहीं पहुंचते हैं। तो आपका कहना है कि उनको अंदर भी जाना चाहिए? अंदर भी जाना चाहिए। तो अंदर बहुत ज़्यादा अतिक्रमण है? हाँ जी। और ये इनका आज अभियान कहाँ चला? मीना गेट से ये सिटी तक गए हैं जहाँ तक। आप चाहते हैं कि इनका अभियान बाजार के मुख्य अंदर भी चलना चाहिए? अंदर भी चलना चाहिए, बाहर भी, यानी कि हफ्ते में 2 तो राउंड होने चाहिए।